और हाँ, राइटर ने बोला कि हम अपने साथ वीडियो नहीं बनवाएंगे। हमने कहा कोई लो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं हूँ अभी अपने घर पे, बस घर से निकल ही रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, पिकअप करने जा रहा हूँ। और आज का पिकअप जो है ना वो नोएडा सेक्टर 45 से है, जो कि डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 25 मिनट का। तो अभी 7:10 हुए और 8 का पिकअप है। पहले तो करूँगा गाड़ी साफ, क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, काफ़ी गंदी गाड़ी हो रही, तो गाड़ी साफ करूँगा फिर निकलूँगा यहाँ से और करेक्ट राइडर की पिकअप लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा 7:50 पे। 8 पिकअप करके फिर निकल जाएंगे। तो निकल के कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपने घर से। गो7:20 और गाड़ी बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी है अपनी, साफ एकदम, है ना। कल बारिश में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो एकदम फिट हो गई। अब निकलते हैं, 25 मिनट में पहुँच जाएंगे राइडर की पिकअप लोकेशन पे, मतलब 7:45 पे पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, कर लेते हैं पिकअप, मिलेंगे आपको पिकअप करने के बाद। गया 7:50 और मैं पहुंच गया अपने राइडर की पिकअप लोकेशन में, नोएडा सेक्टर 45। अब राइडर को करेंगे पिकअप, मैंने कॉल कर दिया है और वो बोल रहे हैं हम 10-15 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम रेडी हो रहे हैं, तो आ जाएंगे फिर यहां से निकलेंगे। और हम पहुंच गए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में राइडर को ड्रॉप कर दिया, राइडर चले गए कुतुब मीनार देखने। और हाँ, राइडर ने बोला कि हम अपने साथ वीडियो नहीं बनवाएंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमारे बहुत सारे राइडर आते हैं जो वीडियो बनाने की परमिशन नहीं देते, तो हम नहीं बनाते, हम अपना वीडियो बनाते हैं, उसमें राइडर की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, हम सब कुछ बताएंगे आज की कहाँ कहाँ घूमेंगे, कैसे कैसे जाएंगे और कैसे कैसे घुमाएंगे सारा कुछ। ना राइडर से इंट्रो कराएंगे, ना कोई रिव्यू लेंगे, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं यार राइडर के लिए, है ना। तो अपनी बात वीडियो बनेगी आज। तो ऐसे बहुत सारे कपल आते हैं जो हमारे साथ घूमना चाहते हैं और वो वीडियो के चक्कर में हमारी गाड़ी बुक नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो गाड़ी बुक करो, आपके साथ चाहोगे तो वीडियो बनाएंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। कई बार मैं ऐसे कपल को लेकर जाता हूँ जिनके साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपने देखा होगा अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये इनके साथ जाएंगे तो वीडियो बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहेंगे तभी वीडियो बनेगी, आप चाहेंगे तो नहीं बनेगी। तो आज घूमेंगे दिल्ली, आज हम बता रहे हैं, पैसे में सोचा था ना जब इंट्रो कराएंगे तब बताएंगे, सुबह से नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहे हैं। आज दिल्ली का लोकल साइट सीन है 8 घंटे 80 किलोमीटर का, हो सकता है 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सब भी बातें बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, अभी राइडर आ जाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर जाएंगे लोटस टेम्पल। आज हम पहले से ही बताते रहेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। तो पहले जाएँ कुतुब मीनार लेके 9 और यहाँ से आ जाएंगे, फिर जाएंगे लोटस टेम्पल, फिर आगे का आगे बताएंगे, है ना। तो अभी करते हैं यहाँ पे वेट राइडर का, आ जाएंगे फिर यहाँ से लेके निकलेंगे। टाइम हो गया 10:30 और हम पहुंच गए लोटस टेम्पल। ये यहाँ पे दिखेगा नहीं धूप की वजह से, लोटस टेम्पल टेम्पल है और भीड़ भी यहाँ बहुत हैवी हो रही है। और हाँ, कालकाजी मंदिर पे इतनी लंबी लाइन है, तकरीबन 400 मीटर लंबी लाइन है, होंगे करीब 350-400 लोग लाइन में लगे हुए मंदिर पे पूजा करने जाने के लिए, कालकाजी मंदिर पे। और दिल्ली का कालकाजी मंदिर तो फेमस है ही, है ना। तो मैं इधर ही गाड़ी साइड में लगा ली मैंने, और मैं इधर थोड़ी देर खड़ा रहूँगा फिर निकल जाऊँगा, उधर पेड़ की छाँव में लगाऊंगा, नेहरू प्लस की तरफ, नेहरू प्लस मेट्रो है ना, उधर ही चला जाऊँगा। राइडर आ जाएंगे, मुझे लगता है यहाँ पे 50 या 55 मिनट लगेगा उन्हें देखने में, आ जाएंगे फिर देखते हैं इसके बाद कहाँ जाएंगे। तो आज तो ऐसा ही रहेगा कुछ कुछ, अगर आप ड्राइवर पार्टनर हो ना, सबसे पहले आप, अगर आपके पास दिल्ली साइट सीन का कोई भी टूर मिलता है आपके लिए, सबसे पहले कुतुब मीनार दिखाओ, उसके बाद लोटस टेम्पल दिखाओ, उसके बाद ना रेड फोर्ट हो गया और इंडिया गेट हो गया, रास्ते होने वो शाम को दिखाओ, उधर शाम को बहुत अच्छा लगता है, दिन में ये दिखा दो शाम को वो दिखा दो, ऐसे ही चलता रहेगा टूर। आप क्या है 1:50 और मैं पहुंच गया इंडिया गेट के पास में कस्तूरबा मार्ग पे, कस्तूरबा गांधी मार्ग है ना, यहाँ पे खाना खाने आया था और हमने घूम लिया अभी तक, निज़ामुद्दीन दरगाह हुआ है और हुमायूं टॉम हुआ है और अब वो गए जू, जू में ड्रॉप करके इंडिया गेट होते हुए सीधे ये कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है ना, इधर ही खाना खाने आ गया, अभी खाना पीना खा लिया मैंने, अब उनका फ़ोन आएगा। तो यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर है जू, दिल्ली जू 1.5 किलोमीटर है, चला जाऊंगा, कर लूँगा पिकअप, फिर देखते हैं इसके बाद कहाँ जाएंगे। तो अभी ना मेरी गाड़ी बहुत साइड में खड़ी है, तो उधर ही गाड़ी में बैठ के रेस्ट करूँगा आराम से। और यहाँ पे खाना ना बहुत ही टेस्टी मिलता है, अगर जो भी ड्राइवर भाई है सेट रहते हैं, ऑटो ड्राइवर भाई या टैक्सी ड्राइवर भाई, तो यहाँ पे आ सकते हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, नीचे फुटपाथ पे ही लगाते खाने, बहुत ही टेस्टी मिलता है दाल चावल। तो मैं तो यहाँ 3-4 आ चुका हूँ, आज 3री बार आया था,
चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इधर वेट, आएंगे राइडर फिर जाएंगे उन्हें पिकअप करने। बस टाइम हो गया 3:50 और हम पहुंच गए रेडफोर्ड। रेडफोर्ड पहुंच चुके हैं, जू देखने गए थे राइडर, वो देख के आ गए, फिर यहाँ ले आया मैं, क्योंकि 4:30 रेडफोर्ड की एंट्री बंद हो जाती है। और मैं घूम तो दिल्ली रहा हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं रहा हूँ कुछ, कहाँ से दिखाऊंगा, जब ही तो दिखाऊंगा ना, आप गाड़ी बुक करोगे, गाड़ी बुक करो, आप हर जगह घूमने जाओ, मैं आपको घुमाऊंगा ऐसे, ये मतलब हुआ घुमाने का। और ये देखो रेडफोर्ड की दीवार है, ये देखो है ना, इधर ही पार्किंग में खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी लगी इसकी गाड़ी के पीछे, ये देखो रेडफोर्ड की दीवार है, इधर ही पार्किंग में टहल रहा हूँ। अब मेरे 8 घंटे हो गए पूरे, क्योंकि 8:30 पिकअप करा था, 4 बज चुके हैं, आधे घंटे के बाद हो जाएंगे 8 घंटे पूरे, इसके बाद ओवर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वो कि चार्जेबल रहेगा, मैंने राइडर से बात कर रखी है, क्योंकि 8 घंटे 80 किलोमीटर का पैकेज था और 8 घंटे के बाद में जो भी टाइम एक्स्ट्रा होगा वो चार्जेबल होगा। तो अभी इधर ही वेट कर रहा हूँ, अब देखते हैं इसके बाद कहाँ जाएंगे। इसके बाद जहाँ तक राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और एक कोई गार्डन बता रहे थे वहाँ जाएंगे, तो अभी अपना लोग यहीं पर बैठते हैं गाड़ी में आराम से, और आएगा फ़ोन फिर जाएंगे पिकअप करने। गए थे मुगल गार्डन, मुगल गार्डन हो गया बंद, 5 बजे एंट्री बंद हो गई, 15 मिनट लेट हो गए, तो अभी आ गए राष्ट्रपति भवन पे, कुछ इस तरह से दिख रहा है राष्ट्रपति भवन, और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से एंट्री बंद कर रखी काफ़ी समय से ही, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, देखो अपनी वाली ये खड़ी है, हैं, और देखो नया वाला संसद भवन बन गया है, ये देखो पुराना वाला है और ये देखो नया वाला है, ये है नया, आप दिख रहा है बिल्कुल, टीन शर्ट हटा दिया ना यहाँ से, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे माहौल, बढ़िया हो गया मौसम। आज का टूर ना बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि गर्मी का मौसम है ही नहीं, बारिश हो रही है हल्की, अब मतलब बारिश कभी कभी बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन मौसम के ठंडा है, धूप नहीं निकली, तो मज़े आ गए आज हमारे राइडर के लिए, क्योंकि गर्मी नहीं लगी बिल्कुल, वरना लोकल टूर करने पर ना हवा ख़राब हो जाती है। तो अभी यहाँ पे फुहारा वारा बंद है, बस संडे को चालू रहता है ये, लेकिन इस समय क्यों बंद है पता नहीं, लेकिन रात को ना यहाँ पे लाइटिंग चलती है, और ये पूरा कलरफुल लाइटें लग गई हैं अब तो, हाँ पूरा राष्ट्रीय भवन पर लाइटें लग गई हैं, जैसे प्रेम मंदिर पर लाइटें हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी लग गई, तो बहुत मस्त लगता है, लेकिन अभी नहीं चलेंगे, थोड़ी देर बाद जल जाएंगी, तो यहाँ से आ जाएंगे राइडर, फिर जाएंगे इंडिया गेट घूमने, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे पता नहीं है, फिलहाल इंडिया गेट तो जाएंगे जाएंगे इसके बाद में, तो आ जाएंगे फोटो करके, फोटो करने गए, फोटो करके आ जाएंगे, फिर लेके जाएंगे इंडिया गेट। मैं पहुंच गया नोएडा सेक्टर 18 में, राइडर को ड्रॉप कर दिया हल्दीराम स्वीट्स पे, और वो यहाँ पे डिनर करेंगे, फिर अपने घर निकल जाएंगे, बोले हम आपको अभी फ्री कर दे रहे हैं, आप अभी यहाँ से चले जाइए, ठीक है, हमें यहाँ पे ड्रॉप करके। और आज पूरे दिन का टूर ना बहुत ही बेहतरीन रहा, पूरे दिन अच्छे से घूमे, क्योंकि गर्मी का तो नाम निशान था नहीं, क्योंकि धूप नहीं निकली तो गर्मी लगी नहीं, और गर्मी नहीं लगी तो बढ़िया टूर बन गया। बाकी दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, इतना पॉपुलेशन है ना, और गर्मी पड़ जाए तो टूर खराब ही हो जाता है, लेकिन आज का टूर बहुत ही बेहतरीन रहा, राइडर भी मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राइडर ने वीडियो के लिए मना कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वीडियो हम नहीं बनाई, आपके साथ भी नहीं बनाएंगे, बस आप गाड़ी बुक कीजिए, है ना, आपकी परमिशन होगी तभी वीडियो बनाएंगे, आपकी परमिशन नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस गाड़ी बुक कीजिए बस, है ना। और ये जो बुकिंग मिली थी ना, मुझे पता किसके द्वारा मिली है, ये हमारे गौरव सर हमारे सब्सक्राइबर है और ड्राइवर पार्टनर भी है, हमें पहाड़गंज मिलते भी रहते हैं, तो राइडर ने इनसे, राइडर के ये फ्रेंड है गौरव सर, तो गौरव सर से नंबर मांगा राइडर ने, बोला कोई आर्टिका वाले का नंबर हो या आर्टिका हो दिलवा दो, हमारे लिए दिल्ली घूमना है, तो गौरव सर ने मेरा नंबर दे दिया, इस गौरव सर के द्वारा मिल गई बुकिंग अचानक से, कल रात को ही मिली थी, और आज मेरे पास कोई काम भी नहीं था, हाँ काम नहीं था, लेकिन उनके द्वारा बुकिंग मिल गई, थैंक यू सो मच बोलते हैं गौरव सर के लिए, और मिलवाएंगे कभी, पहाड़गंज रहते हैं हम लोग तो पहाड़गंज मिलवाएंगे। और अभी यहाँ से सोच रहा हूँ ना ओला ओवर ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो 7 बजे हैं, और अभी से घर जाके क्या करूँगा, है ना, तो ओला ओवर कर लेते हैं वहाँ, देखते हैं ओला ओवर में ड्यूटी आएगी या नहीं आएगी, सब कुछ बताएंगे, बस अब ड्यूटी आने के बाद ही मिलेंगे आप। काफ़ी बुकिंग छोड़ने के बाद में एक बुकिंग मिल गई है, बढ़िया सी बुकिंग मिली है एयरपोर्ट की, जा रहा हूँ पिकअप करने, पिकअप लोकेशन दिखा रहा है 2.5 किलोमीटर दूर, कंफर्म हो गई है कि एयरपोर्ट की बुकिंग है, और बहुत बुकिंग छोड़ दी मैंने ओला ओवर में, लेकिन ये गलत है, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने से काम नहीं मिलता है, और अपनी आदत खराब है थोड़ी सी, कोई नहीं, मैं अपनी आदत 1-2 दिन में ठीक करने वाला हूँ, मैं सारी बुकिंग एक्सेप्ट करा करूँगा ओला ओवर की, अगर बुकिंग नहीं करना हुआ करेगी ना तो बंद कर लिया करूँगा, लेकिन सारी बुकिंग एक्सेप्ट करा करूँगा, क्योंकि मैंने आज ना करीब 10-15 बुकिंग छोड़ दी अभी, तो फाइनली एक एयरपोर्ट की बुकिंग मिली है, उन्हें पिकअप करने जा रहा हूँ, कोई नहीं सुधारेंगे अपनी आदतों को हल्के हल्के, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वरना काम नहीं हो पाया करेगा आपका, मैं तो पर्सनली कर लेता हूँ तो मेरा आ जाता है एवरेज, है ना, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ओला ओवर से नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं चलो चलते हैं एयरपोर्ट, मिलते हैं एयरपोर्ट पहुँच के। राइडर को ड्रॉप कर दिया टर्मिनल T3 पे, और मैं आ गया टर्मिनल 2 की पार्किंग में, जस्ट टर्मिनल 2 की पार्किंग में खड़ा हूँ मैं यहाँ पे,
और यहाँ पे लग रहा है सर्च, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो देखते हैं अब ड्यूटी कहाँ से मिलेगी, बस एक ड्यूटी मिल जाए गाजियाबाद या नोएडा की, फिर उसके बाद घर सीधा, क्योंकि कल मंडे है, कल अपना फास्ट है। और अभी मैंने जाके खाना भी खा लिया कैंटीन में जाके, ड्यूटी ऑफलाइन करके ना, क्योंकि खाना नहीं खाता तो निकल जाता, फिर भूखा रहता कल पूरे दिन। वैसे भी फिलहाल खाना खा लिया, अभी टेंशन फ्री, अब ड्यूटी उठाएंगे और सीधे नोएडा या गाजियाबाद निकल जाएंगे। टाइम हो गया 1:06 और मैं नोएडा गाजियाबाद की ड्यूटी तो नहीं मिली, सादरा की ड्यूटी उठा ली मैंने और सादरा पहुंच गया हूँ। राइडर को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि नोएडा गुड़गांव के चक्कर में बैठा रहता ना, तो हल्के हल्के ना भीड़ खत्म हो रही थी एयरपोर्ट की, और सर्च लगा हुआ था वो भी कम हो रहा था, तो मैंने सोचा उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, लंबी ड्यूटी है 30 किलोमीटर की। तो पहुंच गया हूँ अभी मैं सादरा में ड्रॉप कर दिया है मैंने यमुना विहार में राइडर के लिए। और रात के टाइम तो सादरा में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दिन के टाइम आ जाओ तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके फंस ही जाते हैं। तो अभी सादरा में खड़ा हूँ, अब देखता हूँ यहीं पे वेट करूंगा थोड़ी देर तक, 1-2 घंटे, और नहीं बजेगी फिर निकल जाऊंगा यहाँ से खाली। सो गाइस टाइम हो गया 2:24 और मैं सादरा में खड़ा रहा काफी देर तक, कोई बुकिंग नहीं बजी, तो फिर मैं आ गया ISBT कश्मीरी गेट। अब इधर पहुंच गया हूँ, इधर ही करूंगा वेट कहीं गाड़ी साइड में लगा के, क्योंकि उधर तो कोई ड्यूटी बज नहीं रही है। और यहाँ पे सुबह को बसें आती हैं पंजाब साइड से, प्राइवेट वाली, वोल्वो वगैरह भी आती हैं, तो वहां से फिर बुकिंग बजने की उम्मीद है कोई लंबी। मैंने सोचा सादरा में नहीं बजेगी, चलो ISBT चलते हैं। तो ISBT आ चुका हूँ, अब इधर ही करूंगा वेट। अब इस वाले ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हमें एडिटिंग करनी है, सुबह 8 बजे ब्लॉग देना है आपके लिए, है ना, तो टाइम लग जाएगा इसमें, है ना, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। तो इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, ब्लॉग काफी लंबा हो गया है। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ में। लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।